नमस्कार सहारा प्रणाम, मैं हूं निरंजन। खबर विशेष में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहुल गांधी ने किए हुए बयान पर। राहुल गांधी ने आरएसएस और सिमी के बारे में बयान कर एक बवाल खड़ा कर दिया है। आइए पहले देखते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या था। जो भी अंदर आना चाहता है आ जाए, हम अपनी मेंबरशिप फॉर्म अखबार में प्रिंट कर देंगे। क्रिमिनल ना हो बस, और विचारधारा उसकी ऐसी हो, कांग्रेस पार्टी जैसी हो, आरएसएस की ना हो, सिमी की ना हो। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं रमेश मेहता जी। आप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रह चुके हैं। इस बारे में राहुल गांधी ने ये जो बयान किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सिमी, ये दोनों ही एक फैनाटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी ये रहेगी कि मुझे राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी खुद पर भी एक तरस आता है। राहुल गांधी को इतना पता नहीं है, शायद वो भारत को नहीं जानते हैं, भारतीयत्व को नहीं जानते हैं, नहीं तो कभी भी इस देश का मुसलमान भी कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अति राष्ट्रवादी समाज सेवी ऐसा संगठन है। राहुल गांधी ने किस आधार पर यह बयान किया ये वही जाने, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा नहीं गहराई से जाना चाहूँगा। इतना निश्चित बताना चाहूँगा कि आरएसएस और सिमी दोनों की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। सिमी आज भी इट इज़ अ बैन ऑर्गेनाइजेशन, संघ पर प्रतिबंध लाने वाले, खुदों ने अफसोस किया है और आगे जाकर संघ की प्रशंसा की है। ये संघ का कार्य है, इसके लिए आप आगे हम इस विषय पर चर्चा करें। इस बारे में हम बात कर रहे थे, आपने अभी क्या कहा कि सिमी एक प्रतिबंधित संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की पहली हत्या दिखाई है, तो महात्मा गांधी की हत्या करके इस देश के सामने पहले दहशतगर्दी का नमूना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा था, तो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने? आप सबसे पहले तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हो कि राष्ट्रीय स्वयं संघ अर्थात आरएसएस गांधी जी के मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सबने स्वीकार लिया है। हालांकि गांधी जी का मृत्यु 1942 में होता था, कुछ फैनेटिकों ने तय किया था उनको मारना, उस समय उन फैनेटिकों को दूर करना और गांधी जी की हत्या न होने देना, ये संघ ने कार्य किया है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। संघ ठीक किसी प्रकार की हत्या का प्रशंसक नहीं है, कभी वो चाहता भी नहीं है। आरएसएस ने हमेशा राष्ट्रवाद को समझा है। गांधी जी की कोई नीतियों से शायद हम सहमत ना भी हो, गांधी जी का राष्ट्रवाद उनके लिए हमारे मन में हमेशा आदर रहा है। इसलिए संघ आज अपनी शाखाओं में सुबह जो प्रातः स्मरण कहता है उसमें गांधी जी का नाम भी लिया जाता है। संघ गांधी जी को भी चाहता है, संघ सावरकर जी को भी चाहता है, ये संघ की विशेषता है। तो ये आप इसको विशेषता कह रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि संघ सावरकर को चाहता है, लेकिन सावरकर भी तो उतने कड़वे हिंदुत्ववादी नहीं थे, वो भी कहते थे कि गौ हत्या अगर वो काम की नहीं है तो होनी चाहिए। सावरकर जी की हर बातों से मुझे सहमत होना कोई आवश्यक नहीं है। हम हर बातों कोई भी व्यक्ति से, कोई महान व्यक्ति से भी उसकी हर बात हम स्वीकार करें, सावरकर जी का राष्ट्रवाद सबको स्वीकारना पड़ेगा, गांधी जी का भी राष्ट्रवाद सबको स्वीकारना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है दोनों ने अपने अपने ढंग से अपना राष्ट्रवाद प्रदर्शित किया होगा, पर दोनों महान थे, दोनों राष्ट्रवादी थे, ये हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवाद ये तो केवल हिंदुत्व के तक ही सीमित रहे? नहीं, आप हिंदुत्व की व्याख्या को बहुत संक्षिप्त में देख रहे हैं। इस देश में जो भी रहते हैं, ये भारत भूमि में जो भी रहते, भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, जो अपने आप को भारतीय कहता है, वो संस्कार से, संस्कृति से, परंपरा से हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन पद्धति है, ये परंपरा है, ये अपने पूर्वजों ने दी हुई विरासत है। इसलिए हिंदुत्व का स्वीकार करना ये सारे भारतीयों को, सिर्फ भारत में नहीं, भारत की सीमा पार विश्व में कहीं जगह पर बसे हुए भारतीय होंगे वो भी ये स्वीकारते हैं, हाँ हम भारतीय हैं, अर्थात हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जिसको हम आर्य संस्कृति भी कहें, चाहे उसको हिंदू संस्कृति कहो, हमें हिंदू शब्द पर कोई हमारा आग्रह नहीं है, कम से कम भारतीय शब्द तो स्वीकारो। यदि भारतीयत्व को स्वीकारोगे तो आप स्वयं ही समझ जाओगे कि हिंदू और भारतीय ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकता। अब भारतीयत्व की बात कह रहे हो, एक तरफ
मंदिर के लिए दंगे फसाद हो जाते हैं, दूसरी तरफ चर्च जलाए जा रहे हैं संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से, ये कैसी भारतीयता है? एक बताऊं आपको, चर्च हमने कभी जलाए नहीं, आज तक कोई भी मस्जिदों को हमने तोड़ी नहीं है। जिस ढांचा को लोगों ने गिराया, एक आक्रोश एक भावना व्यक्त करते हुए, वो सारा समाज था, वो संघ का, वहाँ कोई भी किसी प्रकार का सिर्फ संघ का ही नेतृत्व नहीं था, वो समाज का नेतृत्व था। केवल 250 जन थे वो? नहीं, जिन्होंने मस्जिद का वो जो ढांचा गिराया था वो केवल 250 लोग थे। वो स्थान आप देखोगे तो वीडियो शूटिंग उपलब्ध है अभी, हो सकता है यदि आप जाओगे तो वहाँ 250 लोग से ज्यादा रह भी नहीं सकते, पर वो 250 लोग को उनके विचारों को समर्थन करने वाले लाखों लोग थे देश में, क्योंकि जिस विषय को आजादी के तुरंत बाद समाप्त कर देना चाहिए था उसको इतने सालों से वो खींचते जा रहे थे। सोमनाथ का मंदिर का उदाहरण लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने अपने प्रवास में वो सोमनाथ जब गए तो सोमनाथ की प्रजा को पूछा तो उन्होंने कहा इतिहास से आप परिचित है, सोमनाथ का इतिहास क्या है, हम इतना चाहते हैं यहाँ भव्य मंदिर हो। उन्होंने यह प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर पारित करवाया, सब लोगों ने स्वीकारा, तब शासन कांग्रेस का ही था, जवाहरलाल नेहरू जैसी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री थे शायद कई चीजों में हिंदुत्व से वो सहमत नहीं होते थे, तो भी वो भी राष्ट्रवादी थे, इसलिए उसने राष्ट्रवादियों की बातें स्वीकारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बयान था, जो मंतव्य था, उनकी भावना थी, वो स्वीकारते हुए पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ, आज भव्य मंदिर खड़ा है, जिसका उद्घाटन हमारे उस समय के प्रथम जो राष्ट्र प्रमुख थे ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। कहाँ आया ये बात सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सही भारतीयता है कि एक सेक्युलर होने के बावजूद अगर किसी जगह पर मंदिर था, मंदिर है, तो वहां पर मंदिर बनाने के लिए सरकार ने परमिशन दी, लेकिन कहीं पर जाकर कहीं चर्च जला, जो ओडिशा में घटना हुई है, ग्राहम स्टेन्स जैसे आदमी की हत्या हुई है, जिसके बारे में संघ और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सजा सुनाई गई है। कोई सजा सुनाई नहीं है, क्षमा करें निरंजन, बीच में बोल रहा हूँ, सजा किसी ने नहीं सुनाई है। एक चीज ख्याल करें, अपने देश को सबने बेवा का खेत समझ लिया है, कई विदेशी मिशनरी आते हैं। मैं स्टेन के बारे में बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, स्टेन जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे वहां लेप्रसी का एक भी पेशेंट न होते हुए उसने लेप्रसी सेंटर खड़ा किया। उन्होंने जिस ड्राइवर को अपने काम के लिए लगाया, उनके नौकरी पर लगाया, वो ड्राइवर पहले हिंदू था, कुछ समय में वो ड्राइवर ईसाई बन गया, उसका विवाह एक हिंदू महिला से हुआ, कुछ समय के बाद वो भी ईसाई बन गई। ये क्या लगाया आपने, क्यों धर्मांतरण करने निकले हैं आप? जब धर्मांतरण बढ़ जाएगा तो राष्ट्रांतरण हो जाएगा। कश्मीर सबसे बड़ा उदाहरण है, एक समय में कश्मीर में ब्राह्मण थे, हिंदू थे, कश्मीर में कोई भी प्रकार का राष्ट्रांतर नहीं था, धीरे धीरे धर्मांतरण हुआ, आज कश्मीर में पूरा राष्ट्रांतरण हो गया है। ये दुख की बात है, ये देश के हित में नहीं हो रहा है। स्टेन को समझना था, यदि सेवा करनी थी तो धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं है, इसी देश की जो सभ्यता है संस्कृति उसको अकबंद रखते हुए, उसको संभालते हुए, उसका आदर करते हुए उनको सारा कार्य सारी प्रवृत्ति करनी चाहिए थी। सेवा करने के लिए किसी का भी धर्मांतरण करना योग्य नहीं है। धर्मांतरण, राजनीति और संघ की इस बारे में नीति, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।